शनिवार को शाम 5 बजे मंझिया में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा थाना मोड़ के पास झारखंड सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बरता से लाठी चार्ज करने, आंसू गैस के गोला दागने, पानी का बौछार करने के खिलाफ वर्तमान सरकार का पुतला दहन किया गया है। कार्यक्रम मुख्य बाजार से तिरमुहान होते हुए थाना मोड़ पर जाकर सम्पन्न हुआ। मौके पर मंडल अध्यक्ष पवन कुमार, संजय कमलापुरी, वीरेंद्र नाथ दुबे उर्फ वीर दुबे, सविंदर पांडे, दीपक कुमार, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दीपक चौहान, संजन सिंह, धनंजय सिंह, अशोक ठाकुर, सुनील चौहान, शिव कुमार सिंह, देवीलाल जी, विष्णुदेव प्रजापति, सुरेंद्र यादव, प्रेम यादव, रकबुद्दीन खान, सनी चंद्रवंशी, राजेंद्र चंद्रवंशी, टुकू कमलापुरी, चिंटू चंद्रवंशी इत्यादि लोग मौजूद थे। मझियाव से अमित वर्मा की रिपोर्ट। नहीं चलेगी। युवाओं को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। माँ बहन को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा कार्यकर्ता पर लाठी चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। इस आक्रोश रैली के माध्यम से आप सरकार को क्या बताना चाहते हैं? सरकार को बताना चाहते हैं कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो बर्बरता पूर्वक जो लाठी चार्ज किए हैं, अश्रु गैस के गोला छोड़े हैं और पानी के फव्वारा से उन लोगों को आहत किए हैं जो बहुत अभी रिम्स में इलाजरत हैं, ये उनका जो है दर्शा रहा है कि हेमंत सोरेन कहीं मानसिक कमजोर हो गए हैं। उनको डर लगा गया है कि अभी हम खबर पर हमारा सरकार नहीं बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चूँकि वो युवाओं को ठगने का काम किए हैं, 5 लाख के नौकरी देने की बात किए थे, 5 से 7 हज़ार तक ग्रेजुएट को पेंशन देने की बात किए थे। अभी देखिए अभी जेल से छूटे हैं, अभी मैया योजना लागू करके जनता को ठगने का काम शुरू किए हैं कि 1-1 हज़ार डालेंगे और फिर हमको वोट दे देगा और फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ऐसे झारखंड की जनता अब होशियार हो गई है, अब उनको इस ठगी में आने वाले नहीं है। अगले बार इनको जो जो कुकृत किए हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ, जो उन्होंने अपना क्या कहा जाएगा, वो अपना सामने भविष्य को देख रहे हैं कि अब हम आने वाले नहीं हैं। आप मांग करने गए थे बेरोजगारी की, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए या नौकरी के लिए, कार्यकर्ता हमारे उनके आवास पर मांग करने जा रहे थे, कोई मार तो नहीं रहे थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता अनुशासित होता है, ये अनुशासन में रहता है, कहीं किसी को जो कार्यकर्ता के साथ जो किया उन लोग बहुत दुखद बात है और हम अभी क्या कहेंगे उनके लिए। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको भगवान सुबुद्धि दें, वो जनता की सेवा के लिए राज उनको की जनता चुनी थी, लेकिन वो जो है से शक्ति जो अपना रहे हैं। हम लोग ऐसे इंदिरा गांधी का हम इमरजेंसी काल में देखे थे ऐसा तानाशाही, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं देखे थे। तानाशाही पूर्ण रवैया उनका बर्दाश्त भाजपा कार्यकर्ता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल मझियाओं एवं ग्रामीण मंडल मझियाओं के संयुक्त रूप से सभी भाजपा कार्यकर्ता मझियाओं में उपस्थित, आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल मझियाओं एवं ग्रामीण मंडल मझियाओं के सभी कार्यकर्ता मझियाओं में उपस्थित होकर इस ठगी सरकार और डरपोक सरकार, निकम्मी सरकार, हेमंत सरकार के खिलाफ हम लोग पुतला दहन का ऐलान किया और पूरा मझियाओं बाजार घूमते हुए हम लोग थाना मोड़ के पास उनका पुतला दहन किया। यह इसलिए हमने किया, यह जो कल हम लोग का रैली आक्रोश रैली रांची में आयोजित हुआ था, इसने इस डरपोक सरकार ने पूरे मोहराबादी मैदान को तारों और कटीले तारों और ब्रेकेटिंग से घेर रखा था और उसको घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बर्बरता पूर्वक उन्होंने लाठी चार्ज किया, पानी का फव्वारा छोड़ा और आंसू गैस के गोले दागे। यह दर्शाता है यह सरकार कितनी डरपोक और निकम्मी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के से डर चुकी थी। यह सरकार आप जानते हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर जगह ब्लॉक में जाइए, अस्पताल में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए आप सरकारी संस्था में, बिना घुसखोरी का कोई काम आपको नहीं हो सकता है। आज तक 5 साल बीत गया, 5 साल 4 साल 10 महीना होने के बाद
इसको माता बहन का ख्याल आ रहा है और यह एक मैया सम्मान योजना लागू कर माता बहन को ठगने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इनको बताना चाहते हैं कि यह मैया सम्मान योजना नहीं, मैया अपमान योजना लागू किया है। ऐसे ही हेमंत सरकार ने युवाओं को साथ युवाओं के भविष्य के साथ खेला, उनको ठगने का काम किया। उनको शुरू में बोला था कि मैं सभी युवाओं को 5 लाख नौकरी दूंगा, नौकरी नहीं दूंगा तो हम उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन 5 साल बीत गया, एक भी रोजगार इन लोगों ने उपलब्ध मुहैया नहीं कराया। रोजगार के बहाने सभी युवाओं को ठगने का काम किया। ऐसी भ्रष्ट सरकार को हम राज्यपाल से मांग करते हैं, इनको जल्द से जल्द इनको बर्खास्त करके झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार पर, अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो कार्यशैली क्या रहेगी राज्य के प्रति? देखिए, सबसे तो पहले भाजपा का एक सिद्धांत रहा है कि हम गरीब गुरबों की सरकार है भाजपा की सरकार। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग जो अंतिम व्यक्ति तक, जो पार्टी का मेरा लक्ष्य है अंतिम व्यक्ति तक दीप जलाना है, वह हम लोग जलाने का प्रयास करेंगे। खास करके सरकार अगर बना तो हम लोग फोकस युवाओं को रोजगार पर देंगे, क्योंकि आज का सबसे बड़ी समस्या हमारा झारखंड राज्य में है तो जो खनिज संपदा जो बाहर ये सरकार बेच रही है, जो बालू बेच रही है, निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज सरकार ने कल जो किया है रांची में कि हमारा युवाओं को आक्रोश को रांची तक जाने में प्रयास किया है कि हमारा कार्यक्रम असफल हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि युवाओं ने अपना उत्तेजना दिखाया और रांची के मैदान में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो कि संकल्पित लिया है, मैं बताना चाहूंगा कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नौजवान युवा साथियों को कि उन्होंने आज रांची के धरती पर जाकर और हेमंत सरकार के कार्यकाल को दिखाया है कि अगर इसने इसी तरह से अगर आपने रवैया अपनाया तो जनता जो जवाब दिए थे कि मैं नौकरी दूंगा खटाखट, और आज के युवाओं ने उनको सरकार से उखाड़ फेंकेगा फटाफट। साथियों, मैं इतना ही कहकर मैं सबसे आज आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके चैनल के दर्शक को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपसे ये काफी लोग जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।